राम राम भाई सबको, गुड मॉर्निंग। और आज है 20th ही है भाई, पता नहीं चलता यार। मतलब एग्जाम अब इतना ख़त्म हो गया, कल लास्ट एग्जाम था। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज अभी मेरे को सारे सामान जो यहाँ पड़े हैं ये सब मेरे को शिफ्टिंग में लगाना है, और उसके लिए मैं पहले यहाँ से निकलूँगा बाइक लेके, निक्की दी घर जाऊँगा। फिर वहाँ से मैं अब जीजू की गाड़ी लेके आऊँगा, फिर सारे सामान अमन डालूँगा, क्योंकि मेरे इतने सारे सामान है ना ऊबर में लेके गया, तो एक बार में सारे उतरवा देगा और मैं अकेले चढ़ा नहीं पाऊँगा सारे के सारे 8-9 लगेजेस। तो मैं सोचा कि जीजू की गाड़ी ले आता हूँ, जीजू की गाड़ी में पड़े रहेंगे, 3-4 राउंड ऊपर नीचे करूँगा तो हो जाएगा उसमें मेरा काम। बाकी तो भाई रात भर मैंने लैपटॉप में ना स्पाइडरमैन का माइल्स मोरल्स नया गेम डाउनलोड करा, वो खतरनाक भाई, मस्त स्पीड में रात भर में डाउनलोड हो गया। अब तो भाई ट्राई करेंगे कल भी, ठीक है। अब फिलहाल के लिए तो अभी यहाँ से चलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी अप डाउन रहेगा, 2 चक्कर काम हो जाएगा अपना उसमें ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे फटाफट से गाड़ी के अंदर। गाड़ी तो क्या, बाइक में भी मोटो व्लॉग थोड़ा बहुत बना सकते हैं अपने, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओह माय गॉड, पहुंच ही गया मैं अपने। यहाँ पे अभी बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचे। कैमरा तो था यार, कैमरा ऑन होता तो मतलब रिकॉर्ड होता भी, तो मतलब उतना नहीं समझ में आता क्योंकि पीछे से गाड़ी वाला ठोक रहा था मेरे को भाई, साइलेंसर पे मारा उसने देख एकदम जबरदस्त। देखता हूँ भाई वहाँ उतर के देखता हूँ घर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वहीं पता चलेगा बाइक में क्या हुआ। उस पर लगा है क्योंकि यहाँ पे आगे फ्रॉन्क्स वाला पिकअप लिया ना, फ्रॉन्क्स वाला पिकअप लेते ही बाइक वाले ने वो लेफ्ट टर्न कर दिया। हाँ वो राइट लेके निकल जाता ना तो मैं भी निकल जाता, तो मैंने देखा उस टाइम, बट उस गाड़ी वाले का नुकसान हो गया। हाँ। उसका बंपर में लगा, बंपर में उसका लॉक टूट गया, बंपर उसका चक्का लॉक हो गया, लॉक चल ही नहीं रहा गाड़ी, 350 का। मैं देखा मेरे में लगा उसके में लगा, मैं क्या माथा फोड़ी करूं, मेरे को काम पे जाना है, मैं बोला टाइम ही नहीं इतना, छोड़ो निकलो आगे। जेन्युइन भाई जेन्युइन, ये अंकल जस्ट मेरे पीछे ही थे तो इन्होंने बताया कि आज सच कुछ नहीं था, बट फिर भी यार आगे स्कूटी वाला ने भाई जो करा कुछ नहीं कर सकते स्कूटी वाले का। एम्बुलेंस जाना चाह रही है और इनसे ये नहीं खुला जा रहा है सिग्नल, कैसे हैं भाई ये ट्रैफिक मैनेजमेंट है इनका। ये भाई कोई बैंगलोर अगर मेरी वीडियो देख के आ रहा है ना, गलती से मत आ जाना, बहुत बेकार ट्रैफिक मैनेजमेंट है इनका, ना कोई ढंग का कुछ स्ट्रक्चर है ट्रैफिक का ना कुछ है, मेरे को तो एकदम नहीं पसंद आया। वैसे बढ़िया ना तुम्हें कलकत्ता ये सब का ट्रैफिक स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई, कलकत्ता में भले ही 1-way 2-way बहुत ज़्यादा है बट फिर भी यार वहाँ का ट्रैफिक स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत कम जाम लगता है वहाँ, और एम्बुलेंस आती भाई जाम खोल देते हैं, ये इनका धोखा तरह नहीं है कि भाई कुछ भी हो भाई, कितनी बिजी सिटी हो एम्बुलेंस आई है सब रोक के उसको जान दो, कुछ भी हो भाई समझ थोड़ी आता है किसी को, तो मजाक लगता है।
भाई कल कह रहा था वो गाड़ी वाले का ना बम्पर घुस के अंदर चक्कर लॉक हो गया, बेचारे का चल नहीं रहा गाड़ी, चालू नहीं हो रहा। बताओ एक स्कूटी वाले के चक्कर में एक्सीडेंट्स ही एक्सीडेंट्स। पूरा पसीना पसीना हो गया यार ना। ये फ्लाइट है मेरी, एक तरह बस के आगे क्या सिग्नल हो रहा है क्या नहीं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। दूसरा इतना देर से खड़े हैं भाई, पता नहीं कब खुलेगा ये भी नहीं पता चल रहा है। खुले तो समझ में आया कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ कहाँ नहीं पहुँचा हूँ भाई, मेरा लैंडमार्क ही नहीं दिख रहा है मेरे को, मैं क्या क्या देख देख के घुसता हूँ जी जी के घर के लिए। एक यहीं बच गया है गाड़ी वाला जो पीछे से मारा ना, वो इधर मारा इधर से ही पूरा मुड़ा और साइलेंसर पे मारा, ये तो मुड़ा ही हुआ और कहाँ लगा मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कहीं तो लगा है भाई। मेरा पूरा बाइक डिसबैलेंस हो गया था, जैसे तैसे संभाला हूँ, इसके व्हील्स में भी कुछ इशू लग रहे हैं यहाँ से इस पार्ट से लेकर इस पार्ट में, समझ नहीं आ रहा है। 2 महीने बाद ही दिखाएंगे अब तो भाई, फिलहाल के लिए 2 महीने के लिए यही पार्ट रहेगी। चलो तो भाई ऐसा सा कुछ जीजू का गाड़ी है, सामान देखो कितना भर दिया मैंने, एक ये पूरा ट्रंक पूरा भर चुका है, ओ भाई पानी अंदर जा रहा है, और ये वाला पूरा एकदम पैक हो चुका है, रजाई और उधर बैग वैग सब ले लुआ के सब सामान आ गए, तब क्या भी आ गया। अब भाई बस अपना निकलने का देरी है, बाकी तो मैंने चार्जर इधर ही डाल दिया है, और अभी हो रही है बारिश तगड़ी भाई, बारिश में मस्त एकदम रास्ता खाली होगा, आराम से निकलेंगे। चलते हैं भाई अपने, मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी कराऊँ कि नहीं कराऊँ, देखते हैं, कंफर्म नहीं है आने के बाद पता चलेगा वो तो फिलहाल के लिए तो यहाँ से चलें और निकलते हैं अभी फटाफट से जीजू के घर के लिए, ठीक है। वो सब छोड़ो भाई, ये देखो पूरी मैट ब्लैक मर्सिडीज भाई, क्या तगड़ी लग रही थी। तो भाई अभी तो हो गया हमारा सारा सामान वान डालने का काम खत्म, अब जाएंगे भाई पीछे, अभी देखो ऑटो में बैठे हैं जेनविन, एकदम मजा आ गया, ठीक है भाई। कैमरा वैमरा निकाल दिया, कैमरा दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी फटाफट से भाई पीछे जाना है और उसके बाद कुछ ट्यूशन से भी मिलना है, ट्यूशन के साथ जाना है अपने को ना, कल बुला के फिर निकलेंगे, दाढ़ी बनवाने का भी सोच रहा हूँ। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ इतना पीजी में, और भाई मेरा सारा का सारा काम खत्म हो चुका है, चीजों के घर सामान देना, दाढ़ी बनवाना, ये भी बनवा दिया देख लो भाई, ठीक है। बाकी तो मन कर रहा था तो एक चॉकलेट उठा के ले आया खाने के लिए, और बाकी तो बस इतना ही है जो है, ये सब बाकी का सामान जितना भी यहाँ पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा सामान अभी रौनक आएगा वो उसको दे दूंगा, वो ले जाएगा अपने घर, मतलब अपने रूम में ऊपर में, और कुछ नहीं है मेरा जेन्युइन, आज रात में निकलेंगे। तो आज का व्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको व्लॉग अच्छा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।